इब्तदा उस रब जलील के नाम से जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है। दिस इज अमजद हुसैन शेर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमारा टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, आज हमने सेम टॉपिक जो हमारा चल रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से, हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एज वी नो दैट एक्स कॉमा टू एक्स वाई एंड फाइव आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो अगर इक्वेशंस आती है, इस इक्वेशन में जो टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशंस में हमारे पास प्लस और माइनस, टर्म्स में प्लस और माइनस जो चीज होती है वो हमारे पास एक्सप्रेशन में शो हो जाती है। अब इसमें जहां पर प्लस की साइन होगी, यानी एक ये टर्म है हमारे पास, एक ये, यानी थ्री टर्म्स हमारे पास यूज है, इसको हम बोलेंगे थ्री टर्म्स। हाँ, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, मिसाल के तौर पर x इंटू टू वाई इंटू फाइव, अब ये हमारा जो है टर्म्स में शो नहीं होगा, ये हमारा टर्म्स में शो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस की साइन जो होगी वो हमारे पास टर्म्स में होगा, ये हमारे पास सिर्फ वन टर्म होगा, वन टर्म। अब इसमें थ्री टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आउट। अभी सवाल में कोई भी टेस्ट में सवाल आ सकता है कि कोई भी आपके पास ऐसी इक्वेशन दे दे और पूछे कि इसमें से कितने टर्म्स हैं, इसमें थ्री टर्म्स हैं, फोर टर्म्स हैं, फाइव टर्म्स हैं, आप क्या कहेंगे? जो भी अमाउंट होगा, यानी एक टर्म ये है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यानी टू वाई, ये इसका जो है कोएफिशिएंट है, टू जो है उसका कोएफिशिएंट है, टू इसका जो है कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट इसमें क्या है, फाइव है, ये वाला जो अमाउंट होता है इसको हम बोलते हैं फाइव, जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये जो होते हैं ये भी x है, ये भी x है, ये हमारे होते हैं वेरिएबल x एंड y, यानी इसमें दो वेरिएबल है x और y, कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है, पांच, छोटी a b c जो भी होगी आपकी वो आपके वेरिएबल्स शो करेंगे, नंबर्स जो भी आपके पास दिए जाएंगे ओनली नंबर्स, a b c उसके साथ ना हो तो आपके वो हो जाएंगे, यानी वो आपके हो जाएंगे कांस्टेंट, ठीक है, और छोटी a b c जो वहां पर भी हो वहां पर आपके पास शो हो जाएगा आपके पास वेरिएबल। हाँ, आगे जो नंबर दिया जाएगा वो होगा कोएफिशिएंट, और ऊपर कोई भी चीज दी जाए यानी वो होती है पावर, y पावर फोर, y पावर थ्री, ठीक है, ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी होगी, और मल्टीप्लाई का कोई भी दे दे, यानी मिसाल x इंटू x, अब ये बोलेंगे हम एक टर्म है, वन टर्म, ठीक है, अब कोई दूसरा आ जाए, यानी a प्लस ए बी प्लस सी, अब इसमें कितने टर्म आ जाएंगे, ये टर्म एक, ये एक, ये एक, ये थ्री टर्म्स, थ्री, ये थ्री टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी कोई भी सवाल आ जाए, अब इसमें से आप लोगों को एक सवाल में से काफी सवाल आप हमारे निकल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। अभी एक इक्वेशन में, अब इसमें कहे कि वेरिएबल कौन से हैं, आप क्या कहेंगे, ये सारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ए बी वेरिएबल है, ठीक है, फिर ए बी वेरिएबल है, ठीक है, फिर सी वेरिएबल है, अब इसमें कोएफिशिएंट कौन सा है, कोएफिशिएंट इसमें सारों में बनी है, यानी वो शो नहीं करेंगे, पावर सबकी बने वो भी शो नहीं करेंगे, ठीक है, और इसमें कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी नहीं दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, अच्छा अगर यहाँ पर प्लस टेन दिया हो तो फिर हम बोलेंगे जो कांस्टेंट है वो होता है टेन, कोई भी सिंगल नंबर जैसे दिया जाए जो कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर अब हमारे पास ये टर्म हो जाएंगे वन टू थ्री फोर टर्म हो जाएंगे, अब ये थ्री टर्म नहीं रहेंगे, ये फोर टर्म हो जाएंगे, अब हमने कांस्टेंट लगा लिया, ये फोर टर्म हो जाएंगे। अभी हमारे पास कोई ऐसा सवाल आ सकता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये पूछ सकता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई हो या कोई भी इक्वेशन दी हो उसमें पूछे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम बता सकते हैं, हमें कांसेप्ट क्लियर हो चुका है, नंबर ऑफ टर्म्स हम उनको बोलेंगे अगर हमारे पास प्लस होगा या माइनस होगा, इनका डिवाइड होगा तो हम नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो हम उनको काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसका और इसका ताल्लुक इस चीज का है मल्टीप्लाई का, और इसका भी ताल्लुक, यानी तीन नंबरों का, तीन तादादों का जो हमारे पास इक्वेशन है उसका ताल्लुक मल्टीप्लाई का है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इसका आ जाएगा वन, नंबर ऑफ टर्म्स वन आ जाएंगे। अब यहाँ पर पी है, ओनली पी है, उसका नंबर ऑफ टर्म वन हो जाएगा, इसका आंसर भी हमारा वन आ जाएगा। अब यहाँ पर है टू एक्स प्लस थ्री वाई, अब मैंने आपको बताया जहां पर साइन प्लस और माइनस की होगी वो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट होंगे, यानी एक ये दो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। अब यहाँ पर है फोर वाई प्लस सेवन, अब एक ये यानी दो हो जाएंगे। अगर इसी टाइप का कोई और दूसरा सवाल आ जाता है, यानी नंबर फाइव पे कर लूं,
5y प्लस 7y प्लस 8, ये हमारे नंबर ऑफ जो हो जाएंगे टर्म्स 3 हो जाएंगे। अब इस तरह 4n प्लस 5m प्लस 9, जहां पर तीनों में प्लस है यानी एक ये दूसरा और तीसरा ये नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे। इसमें देखें 1 2 3, इसमें भी नंबर ऑफ 3 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर इसका एक काम करा जाए x अपॉन y, ये नंबर ऑफ टर्म्स 1 काउंट हो जाएगा, या x मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय 2x, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स 1 काउंट हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई में भले कितने भी तादाद कितने भी नंबर्स आपके पास आ जाए वो आपका 1 ही काउंट होगा, मगर प्लस या माइनस कहीं पर आ जाए वो आप लोगों के नंबर्स आप जो होंगे काउंट जो होंगे टर्म्स होंगे वो अलग अलग। हाँ, इसी सवाल में आपको कह सकता है कि इसमें आप बताएं, नंबर 1 में बताएं इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। अब कोफिशिएंट मैंने आपको बताया है किसी भी नंबर के आगे, जो किसी भी वेरिएबल के आगे नंबर जो होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, हमें मालूम होता है, यानी इसको हम छोड़ देंगे। अब इसमें पूछ रहा है कॉन्स्टेंट कौन से हैं। कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो नंबर वाले ये है, ये 3 है कॉन्स्टेंट है इसमें। अब इसमें पूछे आपसे जो ये वेरिएबल कौन कौन से हैं, एम और एन जो हैं, एम एन हमारे पास वेरिएबल हैं। इसी तरह से किसी भी सवाल में आपसे पूछे, यानी इसमें से पूछे नंबर 3 में आपके पास कोफिशिएंट कौन सा है, कोफिशिएंट हमारे पास है 3, कोफिशिएंट 3 और 2 है, 2 भी कोफिशिएंट है और 3 भी कोफिशिएंट है, यानी 2, 3। अब इसमें पूछे कांस्टेंट कौन कौन से हैं, कांस्टेंट इसमें है ही नहीं, अब इसको छोड़ देंगे। और इसमें पूछे वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई हमारे वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई यानी ये चेंजेबल होते हैं, वेरिएबल हमारे वो कहलाते हैं जो चेंजेबल होते हैं, वो हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब हमने काफी चीजों को इस तरह से कवर कर रहे हैं। अगर यही सवाल आ जाए 4y प्लस 7, अब इसमें से पूछे आपके पास जो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हम बोलेंगे y है, y जो हमारे पास है वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। अब इसमें जो 4 है वो क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, ठीक है। और 7 क्या है हमारा, 7 हमारा है कांस्टेंट, 7 क्या है हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अभी ये दूसरी एक्सरसाइज में इसी सवाल से ये पूछ रहा है, इसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है और कोफिशिएंट कौन सा है और पावर कौन सा है, तो आप लोग आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पावर हमारे पास जो भी वेरिएबल के ऊपर नंबर होता है, 7 हो 8 हो, वो हमारे क्या होते हैं, पावर हमारे होते हैं, यानी पावर हो जाएंगे। आगे वाले नंबर जो होते हैं कोफिशिएंट हो जाएंगे, बेस हमारा ये होता है जो अल्फाबेट होती है उसको बेस भी बोलते हैं और वेरिएबल भी बोलते हैं। और इक्वेशन में जो प्लस या माइनस में अमाउंट दिया जाता है नंबर्स में, सिर्फ और सिर्फ अकेला नंबर हो वो नंबर हमारा होता है जो हो जाता है कांस्टेंट नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, ठीक है। अब इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए तो हम कैसे करेंगे, कोई भी अमाउंट आ जाता है, मैंने ये आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये हमारा थर्ड लेक्चर चल रहा है, एक्स प्लस एक्स यानी एक्स और एक्स, इस तरह से भी हम एडिशन कर सकते हैं, इस तरह से भी एडिशन करते हैं, यानी एक्स और एक्स। मैंने बताया है अलजेब्रिक में रूल होता है एडिशन जब करेंगे तो एडिशन में आपका कोएफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, यानी 1 और 1 2x। अगर इसी को हम मल्टीप्लाई करते मिसाल के तौर पर x को x के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारा पावर प्लस हो जाते हैं 1 और 1 यानी x स्क्वायर, अब इसका कोएफिशिएंट 1 1 ठीक है 2x, मल्टीप्लाई में इस तरह से हो जाएगा और प्लस या माइनस में इस तरह से होता है। अब इसको क्या करेंगे 1 और 1 इसका 2x, सिंपल में ये इसलिए भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास सवाल है, थोड़ा हमने बड़ा कर दिया है, अब इसको कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि जो एक जैसे जिनके बेस हो जाएंगे, जिनके एक जैसे लाइक टर्म्स, जिनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, लाइक यानी सेम, अनलाइक यानी अपोजिट, जो सेम ना हो, अनलाइक को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं वो सेम ही रहेंगे। अभी लाइक वाले यानी 2a और दूसरा देखें a कौन सा है कहीं पर, ये a दूसरा है नहीं, हम क्या करेंगे इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे, 2 और 1 3 डायरेक्ट कर सकते हैं प्लस, अब 3 भी एक ये दूसरा देखें b कौन सा है, ये 6 और 3 9 b, ठीक है। और उसके बाद क्या है c, अब c दूसरा है ये राशि, यानी 2c और 3 2 और 3 5 प्लस 5c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
ठीक है। अगर आप लोगों को दूसरा स्टेप करना है या दूसरे तरीके से करना है तो दूसरा ऐसे कर सकते हैं, यानी देख लें टू ए ये है, अब दूसरा कहीं पर है, दूसरा ये है, ये ए, अब ए के नीचे ए जैसे हम प्लस माइनस करते हैं प्लस, अब थ्री बी, थ्री बी दूसरा है बी, देखें सिक्स बी प्लस सिक्स बी, अब दूसरा क्या करेंगे प्लस, अब प्लस टू सी यहाँ पर है टू सी, अब यहाँ पर देखें प्लस थ्री सी, अब जैसे हम सिंपल में एडिशन करते हैं उसी तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, इस तरह से टू और थ्री फाइव सी प्लस सेम सिक्स और थ्री नाइन बी प्लस सेम टू और वन थ्री ए, ठीक है ये हमारा आंसर आ गया, ये और ये देख रहे हैं सेम ही है, ये और ये सेम है, हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरह से अगर अब सब्ट्रैक्शन में आ गया यहाँ पे, यानी माइनस करना है, अब इसका दूसरा तरीका ये होता है ये 6a है और ये 2a है, यानी दूसरे स्टेप से मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 6a a प्लस a प्लस a प्लस a, एक दो तीन चार पांच छह सिक्स ए, अब उसमें कह रहा है दो माइनस कर दो, ए दो माइनस माइनस ए माइनस ए, अब क्या करेंगे सिंपल में ए एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल, अब हमारे पास कितनी बची एक दो तीन चार, अब हम इसको सिंपल में रख सकते हैं, चार जो बची हमारे पास वो कौन सी है प्लस की है, प्लस की हम साइन लगाने की जरूरत नहीं है, फोर ए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से करें, अगर आप लोगों को डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि टेस्ट में टाइम कम होता है डायरेक्ट करना होगा, यानी छः में दो गए चार ए हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता सिक्स ए मल्टीप्लाई बाय टू ए तो हम क्या करते हैं सिंपल क्या करते हैं सिक्स टू द ट्वेल्व, सिक्स टू द ट्वेल्व ए और ए को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है, जब a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पावर प्लस हो जाते हैं a स्क्वायर हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। अगर हमारे दूसरा सवाल है नंबर 4 है, अब 7x में से 3x माइनस कर रहे हैं, अब सिंपल क्या करना है 7 में से 3 गए यानी 4a, सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप लोग इसमें बड़ा कर लिख रहे हैं तो क्या करेंगे एक 7 टाइम लिख लेंगे फिर उसमें से 3x माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, प्लस माइनस में क्या होते हैं, आगे वाले कोएफिशिएंट क्या होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई में होती है पावर प्लस और माइनस होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर प्लस और माइनस होती है, ये सिंपल चीज़ें हैं, हमने इसको डीपली स्टडी कर रहे हैं, ये आगे भी हम करते जाएंगे क्योंकि इसको थोड़ा डीपली देखना है, इस टाइप के सवाल पास पेपर्स में आ चुके हैं, सिलेबस में मौजूद हैं और काफ़ी टेस्टों में इन टाइप्स के सवाल आते हैं। और हमने एक ये सवाल लिया है जो बहुत थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ये टेस्ट में आने के चांसेस नहीं है इसका, मगर इसमें जो ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में साइनें यूज हो रही हैं, ये आप लोग सवाल समझ जाएंगे तो आप काफी सवालों को खुद ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं, छोटे सवालों को भी इसमें काफी साइनें यूज हुई हैं तो वो हम साइनें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के पास मल्टीप्लाई में यानी ब्रैकेट के आगे साइन जो होती है वो होती है सबके साथ मल्टीप्लाई होती है, अब इस साइन जो अगर माइनस यहाँ पर आ जाती है तो अंदर वाले सारे साइनों को चेंज कर देती है, माइनस अगर हो तो मल्टीप्लाई का रूल मैंने बताया है, माइनस हो जाए मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होगी सब साइनों को चेंज कर देगी, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू, ये पुराना रूल है हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं, अभी ये जो है माइनस यहाँ पर होगी माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस प्लस यानी माइनस हो जाएगी, यानी माइनस अगर आपके पास मल्टीप्लाई में आ रही है तो अंदर वाली सारी साइनों को चेंज कर देगी, माइनस होगी तो प्लस कर देगी, प्लस होगी तो माइनस कर देगी, ये रूल आप लोग ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल टू माइनस ये और प्लस इनटू प्लस इज इक्वल टू प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब हमने आपको बता दिया, अब यहाँ पर बॉड मास रूल भी अप्लाई होता है, यानी पहले हम क्या करेंगे छोटी सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद दूसरी ब्रैकेट, यानी आगे सेम लिखेंगे 5a सेम माइनस 2 यहाँ पर सेम रखेंगे, अब माइनस को इस सारी ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी माइनस है तो यहाँ अंदर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगी, माइनस कर देगी ये प्लस के साइन यहाँ पर है तो यानी ये माइनस हो जाएगा माइनस 3, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 11 एल, यहाँ पर प्लस है माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 3 एम, ठीक है यहाँ पर प्लस है, सिंपल आप समझ जाए माइनस ये सारी
अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे आ रही है तो क्या करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 8l। ठीक है, अब ये हम बिग ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, सिंपल में अब क्या हो गया, हमारे पास माइनस 2 आ गया, ये आ गया, सारी स्टेटमेंट आ गई। अब यहां पर फिर साइन आ गई माइनस की। अब माइनस को हम रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही स्टेप लेंगे 5l। अब माइनस एल अंदर वाली सारी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस इंटू प्लस माइनस 2। अब माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी माइनस एल सारी साइनों को आप चेंज कर देंगे। सिंपल में सिंपल स्टेप है कि साइन अगर बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साथ तो अंदर वाली साइन जो प्लस होंगी तो माइनस हो जाएंगी, अगर माइनस होंगी तो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, प्लस 3 प्लस 11l प्लस 3m प्लस 8l। ठीक है, अगर आपको रूल याद है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, वो हमने सारी प्लस कर दी। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5l दूसरा कहीं है, ये 11l, ये 5l और दूसरा है ये 8l। अब तीनों क्या करेंगे, 8 कर देंगे, 5 और 11 ये हो जाएंगे हमारे 16, 16 और 8 ऐसे करते हैं, 5 और 11 16, 16 और 8 16 और 8 24, 24 ये एल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये 2 है माइनस का 2, ये प्लस का 3 और दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट, को ये नहीं है तो क्या करेंगे, ये प्लस का 2 में माइनस के में से प्लस वाला 3, ये बड़े हैं, 3 में से 2 गए तो हमारे पास क्या बचे, प्लस 1। अब यहां पर देखें प्लस एम बचा हुआ है, प्लस 3m और कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर कर दें या तरतीब के साथ करेंगे, क्या करेंगे, ये भी हमारा आंसर है। अगर तरतीब दें 24l प्लस 3m प्लस 1, ये भी हमारा आंसर रहेगा। अभी हमारा आंसर आ गया। अभी इसी टाइप का कोई नहीं, आपको दूसरा बता दूं, यानी माइनस करना हो किसी भी इक्वेशन के साथ a प्लस a तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस a हो जाएगी और यहाँ पर माइनस a हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस का a और a दूसरा माइनस का आ जाएगा, यानी माइनस 2a हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी दूसरी इक्वेशन हो x प्लस x ब्रैकेट में दे दें और माइनस उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो हम आगे करेंगे माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये सब साइनों को चेंज कर देगी, यानी ये प्लस की ये तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3x हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसी टाइप का कोई दूसरा सवाल आ जाता है मिसाल के तौर पर, माइनस में कर दें माइनस एक्स प्लस 3x माइनस एक्स, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये साइन साइन चेंज, ये माइनस इनटू माइनस ये हमारी प्लस हो जाएगी सिंपल में, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी 3x, अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी x। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है और ये प्लस का है, यानी 2x प्लस के आ गए, ये 3 और 1 माइनस के 4x हो जाएंगे। अब हम इनको माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो हमारा आंसर आएगा माइनस 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आप लोग आसानी के साथ कोई भी सवाल आ जाए, कोई छोटा सा सवाल भी आ जाए, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते। अगर यहीं पे छोटा सा कोई सा सवाल दे दें और आप लोगों के पास ये साइन दे दें तो आप लोग ये साइन को सही रिकॉग्नाइज नहीं कर सके, तो आप लोग यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमें माइनस रखना होगा, ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी प्लस माइनस के साथ तो अंदर वाले साइन है सारी चेंज हो जाती है, प्लस होती तो माइनस हो जाएंगे, माइनस होंगी तो प्लस हो जाएंगे। अब ये हमारे पास इस टाइप का सवाल कोई आ सकता है कि व्हेन a इज इक्वल टू माइनस 3 b इज इक्वल टू 5 c इज इक्वल टू माइनस 2 इवैल्यूएट इट, ये हमारी इक्वेशन दी जाएगी और इसमें कह रहा है ये वाली जो है वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में जो है इन अल्फाबेट या इन वेरिएबल्स में ये अमाउंट जो है वो आप लोग पुट करेंगे।
सिंपल है, सॉल्यूशन करेंगे सिंपल। ए की जगह पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, ए की जगह पर ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे और सी की जगह पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास -3, सिंपल क्या करेंगे -3, ब्रैकेट दे दें ताकि आपको आसानी के साथ रिकॉग्नाइज कर सकें, माइनस ये वाली सेम निशानी। अब बी की वैल्यू क्या है 5 है, ब्रैकेट में दे दें 5। अब इन दोनों का बी और सी का ताल्लुक क्या है, जब बीच में कोई साइन नहीं होती है, कोई वेरिएबल आपस में अलग अलग होते हैं तो उनके साथ जो होती है साइन होती है वो मल्टीप्लाई काउंट होती है। 5 ब्रैकेट और सी का वैल्यू क्या है -2, ठीक है। अब इसको अपान में दे दें, सी का वैल्यू क्या है -2। अब क्या करना है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, ये -3 सेम रहेगा, माइनस ये सेम रहेगी, 5 to the 10, 5 to the 10। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी साइन माइनस की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -(-) प्लस की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस कर दी इसको, मिसाल यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर आपकी माइनस है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगी -5। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है। अपान में -2 सेम रहेगा। अब इसको फर्दर करेंगे, अब 5 to the 10 -3 माइनस 5 to the 10 -10 हो जाएंगे, ठीक है। और अपान में क्या करेंगे -2 रखेंगे और फर्दर इसको करेंगे -3 और -(-) प्लस हो जाएगी, +10 अपान -2, ठीक है। अब 10 में से -3 गए तो हमारे पास आ जाएंगे +7 अपान -2, ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरह से आप लोगों के पास कोई सिंपल आ जाए तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी ये सवाल हमारे पास पेपर में आ चुका है JSTK में, कि लुक एट द इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W व्हेन T इज इक्वल टू 12। अभी हमें इक्वेशन दी गई है, कह रहा है इस इक्वेशन को देखें और इसमें W की वैल्यू मालूम करें अगर T की वैल्यू आपके पास 12 दी गई है। सिंपल क्या करेंगे, इसमें T की वैल्यू पुट कर देंगे, W को सेम रखेंगे, 2/3, T की क्या वैल्यू है 12 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको 12 दे देंगे, +6, ठीक है। अब सिंपल क्या है, 12 to the W सेम रखेंगे, अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर जाएगा 24 upon 3 +6, ठीक। आप जाएंगे सिंपलीफाई भी कर देते हैं, 3 × 3 = 3, 2 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी ये आपका यहीं पर भी हो सकता है 4 to the 8 +6, 6 और 8 कितना जाएंगे 14, 14 हमारा आंसर रहेगा। अगर इस तरह से करेंगे फिर भी हो जाएगा 3 × 3 = 24 और 8 और 6 वही हमारे 14 आंसर रहेगा। अब अगर दूसरा सवाल हमारे पास आ जाए, ये भी हमारा PSTK में पास पेपर में आ चुका है, कि A = 5AB, मेक द बी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब कह रहा है फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है, यानी A = 5AB, ये हमारा फार्मूला, ये कह रहा है मेक बी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, बी जो है ये आप सब्जेक्ट में दें। अभी हमें मालूम है कि सिंपल ट्रिक है, अब इक्वल के बाद प्लस होती है तो माइनस में हो जाता है, माइनस होती है प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई होती है तो डिवाइड में चली जाती है और डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। सिंपल हम इस बी को सेम रखेंगे, यहीं पर बी को रख रहे हैं, अब इन दोनों का ताल्लुक इसके साथ मल्टीप्लाई का है, ये हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड 5 a, ऊपर a सेम रहेगा ये वाला। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जिस ऑप्शन में आपका ये आंसर है, ए में बी में सी में जिसमें भी है तो आपका ये आंसर रहेगा। इसको इस तरह देखें, यहाँ b इज इक्वल टू a अपान 5 a, इस तरह देखें तब भी बात सेम ही है, ये इस तरह देखें इस तरह देखें बात सेम ही रहेगी। ये दो मजीद और सवाल हैं जो पास्ट टेस्ट में आ चुके हैं, ये PSTK में आ चुका है, यानी एक इक्वेशन दी गई है, बीच में साइन माइनस की है, फिर ब्रैकेट के अंदर दूसरी इक्वेशन दी गई है, पूछा है इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल क्या करेंगे हम, जब भी साइन बीच में माइनस की होती है तो अगले साइन अगले जो भी नंबर होते हैं उनकी साइन हम चेंज कर देते हैं, सिंपल वन स्टेप में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सेम लिखेंगे 5x + 4, अब ये माइनस 2x² ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी 3x, ये प्लस है तो -6। अब जो भी हमारे लाइक्स टर्म होंगे या एक जैसे टर्म्स होंगे उनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे,
एक्स स्क्वायर ये रहा, ये एक्स स्क्वायर है, यानी ये दो माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, यानी इसका एक खत्म हो जाएगा, क्या कर देंगे सिर्फ माइनस एक स्क्वायर बचेगा, दो में से एक गया तो हमारे पास सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर देखें 5x है, यहाँ पर 3x है, 5 और 3 8 हो जाएंगे 8x। अब यहाँ पर देखें कांस्टेंट ये भी है और माइनस सिक्स प्लस फोर, सिक्स माइनस के हैं तो हमारे पास साइन माइनस किया जाएगी, बड़े माइनस के हैं, 6 में से 4 गए तो हमारे पास आंसर जाएगा माइनस के 2। अब यही हमारे पास आंसर आ गया, ये भी आंसर ठीक है। अगर आपको असाइनिंग में कहें तो क्या करेंगे, 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस टू, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अभी दूसरा सवाल है JEST का, उसमें कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन शोन बिलो व्हेन a इज इक्वल टू 36 b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 2। हमें इक्वेशन दी गई है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। इस टाइप के सवाल हम कर चुके हैं काफी, और ये भी हम टाइप्स के कर चुके हैं, अब इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं। अभी क्या करना है, 3 सेम रखेंगे, a की वैल्यू में बताई गई है क्या है 36, डिवाइड करना है b की वैल्यू बताई गई है 12, और पावर में c दिया हुआ है, पावर में c का स्क्वायर करना है, सिंपल। अभी यहां पर 12 का टेबल लगाएं, 12 अंदर 12, 12 टू द 24, 12 थ्री द 36, क्या आ गया, अभी 3 आ गया, यहां पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 यहां पे 3 थ्री द 9 मल्टीप्लाई करेंगे 9, अब 9 थ्री द 27 हमारा आंसर आ गया। ये सवाल है तो बिल्कुल आसान सिंपल है, मगर हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान के सवाल आप आसानी के साथ कर सकते हैं। बुक्स को हमें देखना होगा, बुक्स की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि हम ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो टेस्ट को आसानी से क्वालिफाई कर देंगे। एक दो सवाल काफी कुछ मुख्तलिफ टेस्टों में आए हुए हैं, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपकी जैसे कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो जाए। ये मुख्तलिफ टेस्टों में इस टाइप के सवाल आ चुके हैं, अब इसमें आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन दी जाएगी, यानी ए का वैल्यू मालूम करना होगा। ये क्या सिंपल है, मैंने आपको बताया ये माइनस के 3 यहाँ पर है, इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस के प्लस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सेम 12, अब ये माइनस 3 उस तरफ गए प्लस के 3 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू 12 और 3 15, ये हमारा आंसर आ गया, ए का वैल्यू मिल गया हमें 15, ठीक है। अभी ये आ रहा है माइनस 1 का क्यूब, अभी कोई भी अमाउंट आपके पास हो उसका क्यूब का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ठीक है। अब ये हो गया इसका यानी क्यूब, ये अमाउंट जो दिया गया है क्यूब का मतलब उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर होता 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, पावर 4 होता 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। अभी हमें पता है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा माइनस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि अगर दो मरतबा माइनस आ जाता तो प्लस में आ जाता, ये तीन टाइम में हमारे पास साइन आ जाएगी वही माइनस की, अगर सवाल माइनस में है तो, यानी माइनस 1 इज हमारा आंसर है, ठीक है। अगर यहां पर माइनस 1 स्क्वायर होता तो क्या आंसर आता है इसका, इसका आंसर आ जाता सिर्फ और सिर्फ 1 आंसर आ जाता। अगर इसका माइनस 1 का पावर 4 हो जाता तो इसका हमारे पास सिर्फ 1 आंसर आ जाता। अगर इसी का माइनस 1 का हमारे पास पावर 5 हो जाता तो हमारे पास माइनस 1 आंसर आ जाता, क्योंकि ये जब हम जैसे बोलते हैं इनको इवन और ऑड नंबर के साथ जैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी तरह से इनकी, यानी 2 टाइम माइनस करेंगे माइनस इनटू माइनस तो हमारे पास आंसर आ प्लस में, अगर 3 टाइम करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा माइनस में, अगर 4 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा प्लस, यानी 1 2 3 4 टाइम में प्लस रहेगा, अगर 5 टाइम करेंगे माइनस, 6 टाइम करेंगे प्लस, 7 टाइम करेंगे तो माइनस, यानी ये आप लोगों को बेसिक चीजें हैं, इनको फोकस करना होगा, ये काफी चीजें हैं, काम की चीजें हैं, छोटे सवाल हैं और टेस्ट में इस टाइप के छोटे सवाल देंगे और ट्रिक होगी, थोड़ी सी लॉजिक रखी होगी, कहीं भी माइनस दे देगा कहीं भी प्लस दे देगा, माइनस आ जाए तो आप लोगों को साइनों को चेंज करना होगा, ये आप लोग देखिएगा उस वक्त साइनों को चेंज करेंगे जब मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस हो तो आप लोग उन चीज़ों को थोड़ा गौर कीजिएगा, पॉइंट्स को सही तरीके समझें,
ऐसा ना हो कि मैं एक चीज समझा रहा हूँ आप उसको मैं समझाऊ मल्टीप्लाई में आप प्लस में अप्लाई उसको रूल को फॉलो कर दें, ऐसा ना हो। आई होप कि आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमें फीडबैक दें कि हमें पता चले कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी लेके आएँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो मुख्तलिफ टेस्टों में सवाल आते हैं उनको हम लेके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी सर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ का फायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।